किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज ब्लिंक होने लगेगा और उसकी जानकारी सामने आ जाएगी। ऐसी स्थिति में मोबाइल फोन कम से कम 30 सेकंड तक बजता रहेगा। इतना ही नहीं, लाइट और साउंड के साथ साथ मोबाइल फोन वाइब्रेट भी होने लगेगा, जिसकी वजह से साइलेंट मोड में होने के बावजूद वो आपको इमरजेंसी अलर्ट कर देगा। ये कैसे काम करेगा, इसे समझाने के लिए हम आपको एक डेमो भी दिखा देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मोबाइल में इमरजेंसी अलर्ट का ये फीचर होता है। देखिए, ये सेटिंग्स में आपको इमरजेंसी अलर्ट का फीचर मिलेगा। इस पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स, और इसमें अलाउ अलर्ट्स है। तो अगर आप अलर्ट्स को बंद कर देते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो फीचर आएगा वो आप बंद नहीं कर सकेंगे। और इसमें एक्सट्रीम थ्रेट्स, सीवियर थ्रेट्स और बाकी सभी तरीके के जो थ्रेट्स होते हैं उनके बारे में आपको तत्काल सूचना मिलेगी। इमरजेंसी फ्लड वार्निंग का फीचर दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से ये फीचर मोबाइल फोन में आता है। और इसके जरिए बड़े पैमाने पर, यानी कि मान लीजिए कि कहीं चक्रवात है या कहीं भूकंप है आया, हालांकि भूकंप के बारे में ये है कि पहले से उसके बारे में कुछ नहीं जानकारी दी जा सकती, लेकिन अगर कोई एक भूकंप पहले से आया है तो उसके बाद के लिए डिस्ट्रक्शन अगर कुछ हुआ है तो उसके बाद के लिए लोगों को सचेत किया जा सकता है कि उस क्षेत्र में भूकंप आया है, और ऐसी स्थिति में वो सचेत रहें कि और भी भूकंप आ सकते हैं। इसी तरह से बाढ़ के बारे में कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ चुकी है और आप जो है सचेत रहें, ऐसे ही चक्रवात और सुनामी के लिए भी लोगों को बड़े पैमाने पर एक साथ जानकारी दी जा सकती है, अलर्ट किया जा सकता है, सूचित किया जा सकता है। इसका इस फीचर को लाने की प्रमुख वजह यही है कि एक साथ बड़े पैमाने पर पूरे शहर को, या यूं कहें कि पूरे राज्य को एक साथ अलर्ट कर दिया जाए। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली। वैसे आपको बता दें कि भारत में अभी तक ये इमरजेंसी अलर्ट फीचर हर मोबाइल में अनिवार्य नहीं है, लेकिन विदेशों में इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है। इसलिए स्मार्टफोन कंपनियों की ओर से कई देशों में इमरजेंसी अलर्ट फीचर लगातार, मतलब हमेशा से दिया जाता है। इनमें अमेरिका, जापान, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया के अलावा ब्रिटेन के कई यूरोपीय देश शामिल हैं, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद इसे भारत में भी अनिवार्य तौर पर लागू किया जाएगा।